लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उसका उस पे क्या उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होकर घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं, और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा, उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक हमारे को लिमिटेड ट्रायल्स के परमिशन केंद्र सरकार से मिली थी। केंद्र सरकार ने हमें ये परमिशन दी थी कि आप केवल एलएनजेपी के सीरियस पेशेंट्स के ऊपर प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करिए और हमें नतीजे बताइए, फिर हम आपको बाकी दिल्ली की परमिशन देंगे। तो अगले 2-3 दिन और हम ट्रायल्स करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट वीक हम लोग केंद्र सरकार को पूरे दिल्ली के सीरियस कोरोना के पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने के लिए अप्लाई करेंगे कि पूरे दिल्ली के सीरियस पेशेंट्स को प्लाज्मा थेरेपी देने की हमें इजाज़त दी जाए। मुझे उम्मीद है कि वो भी इजाज़त हमें जल्दी मिल जाएगी। तो उसके बाद दिल्ली के किसी भी अस्पताल के अंदर कोई भी कोरोना का अगर सीरियस पेशेंट है उसको हम ट्राई कर पाएंगे, उसको हम प्लाज्मा थेरेपी